में और हमने कल डिस्कस किए थे वो वापस रिवाइज करते हैं। क्या क्या थे? पहली बात हमने पढ़ी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लो ये लाइन है एबी और ये लाइन है सीडी, ठीक है, और एबी अगर पैरेलल है सीडी के, तो स्लोप ऑफ एबी और स्लोप ऑफ सीडी क्या होंगे? आपस में इक्वल। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि अगर ये लाइनें पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। थीटा वन इक्वल होगा थीटा टू के। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि दोनों कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? अब जब लाइन पैरेलल होती है तो ये जो एंगल होते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। पर जब ये थीटा वन और थीटा टू इक्वल है तो दोनों तरफ टेन ले लो, तो टेन थीटा वन और टेन थीटा टू इक्वल होंगे। दोनों तरफ टेन ले लिया, जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, दोनों तरफ लोग लेते हैं, वैसे मैंने दोनों तरफ टेन ले लिया, तो टेन थीटा वन और टेन थीटा टू भी इक्वल निकल देंगे। और टेन थीटा वन क्या होगा फिर? स्लोप ऑफ लाइन एबी होगा कि नहीं होगा? और टेन थीटा टू क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन सीडी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टेन थीटा होता है स्लोप ऑफ लाइन। अब यहां थीटा की जगह थीटा वन एंगल बन रहा है, तो टेन थीटा वन होगा इसका स्लोप और टेन थीटा टू इसका स्लोप, कोई दिक्कत? तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, या फिर अगर दो लाइनों के स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल है। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर ले, लाइन परपेंडिकुलर है, एबी और सीडी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अगर एबी और सीडी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा? -1, ठीक है। आई बात समझ में? दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना होता है? -1। और जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो एबी का स्लोप m1 है और सीडी का स्लोप m2 है, तो m1 और m2 का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। अच्छा, इसमें अगर मुझे एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी का मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला मैं तब लगाऊंगा जब दोनों लाइनें आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्लियर? तो मान लो कि मुझे m2 दिया हुआ है और m1 निकालना है, तो मैं -1/m2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? m1 मिल जाएगा। या फिर m1 दिया हुआ है m2 निकालना है तो -1/m1 करूंगा तो m2 मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला मैं तब लगा सकता हूं जब ऐसा दिया हुआ हो कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है और उसके बाद एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो दूसरी का निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्लियर? इसके साथ एक और फॉर्मूला भी पढ़ लो कि अगर दो लाइनें एंगल बिटवीन टू लाइन, ये भी कल पढ़ाया था कि अगर दो लाइनों के बीच में मान लो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक और एंगल भी बनेगा, वो क्या होगा? π - θ, क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है। अगर ये थीटा है तो ये 180 - θ होगा, इन दोनों का सम करोगे तो 180 आएगा, मतलब पाई आएगा रेडियन में, ठीक है। तो अगर मुझे ये थीटा एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसका फॉर्मूला है tan थीटा बराबर m1 - m2/1 m1 m2। इस फॉर्मूले में मैं दोनों लाइनों के स्लोप m1 और m2 को रख के सॉल्व करूंगा तो मुझे थीटा मिल जाएगा या tan थीटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत? अगर सिर्फ थीटा चाहिए तो इस tan को उधर भेज दो, तो tan जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स m1 - m2/1 m1 m2। क्लियर? तो ये दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। एक चीज और हमने कल पढ़ी थी, अगर तीन पॉइंट को कोलीनियर दिखाना हो अभी इस चैप्टर में तो वो कैसे दिखाएंगे? तो मान लो ये तीन पॉइंट है, एक ही लाइन के ऊपर है, ए बी और सी, तो ये कोलीनियर होंगे तो क्या होगा? ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। पहली चीज, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, सॉरी स्लोप ऑफ
बी सी ये इक्वल होना चाहिए। तो फिर आप ये कह सकते हो कि जब स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइन तो पैरेलल होती है। अभी आप कोलिनियर कह रहे हो, पैरेलल में और कोलिनियर में फर्क है ना, ये पैरेलल है और ये कोलिनियर है, एक ही लाइन को आगे बढ़ा दिया। हाँ, जब स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, लेकिन अगर इन उन दोनों लाइनों के स्लोप इक्वल है जिनमें एक पॉइंट कॉमन है, देखो बी पॉइंट कॉमन है कि नहीं है, तो फिर वो लाइन पैरेलल नहीं होगी, वो क्या होगी, कोलिनियर होगी। भाई एबी पैरेलल सीडी के हो सकती है, लेकिन एबी पैरेलल बीसी के कैसे हो सकती है, मतलब बी पॉइंट कहीं और नहीं है, जैसे एबी खत्म हुआ बी से सी तक शुरू हो गया, तो फिर ये पैरेलल नहीं होगी, ये क्या होगी, कोलिनियर होगी। तो पैरेलल लाइन दोनों के स्लोप इक्वल होने पे लाइन पैरेलल होती है, सही बात है, लेकिन अगर उनमें स्लोप इक्वल होने पर एक पॉइंट कॉमन भी हो तो वो कोलिनियर लाइन होती है, या वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये तीन चीजें और नोट कर लो, इतना हमें कल पढ़ा था। चलो 10.1 ठीक है, देखो आप लोगों को स्लोप निकालना है, जैसे एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, हालांकि कर चुके हैं हम ये, कि ये कह रहे हैं कि एक लाइन है वो, हाँ फिगर जरूर बनाना है इन दोनों चैप्टर में जितना हो सके आप, पॉइंट सेक्शन और स्ट्रेट लाइन में कोशिश करना फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन करो। ये कह रहा है कि एक लाइन है वो 3-2 और -1 और 4 से पास हो रही है, तो बताओ उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप कितना होगा। मान लो ये पॉइंट ए था और ये बी था, तो मैंने क्या बताया स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला, y2 कितना 4 और y1 कितना -2, y2 - y1। भाई ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, गलती यहां पे मैंने कल बताया था, गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं x1 x2, इसको बोलते हैं y1 y2। ऐसा कब होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट x के साथ y होता है, दोनों y दोनों x के साथ हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो y2 - y1 / x2 - x1 तो कितना हुआ 6/-4 मतलब -2 3/2। आई बात समझ में, ये इसका स्लोप इजी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इसी के साथ ये कह रहा है कि एक लाइन जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एक लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसका स्लोप कितना हुआ m = tan 60 कितना होता है √3। ये इसका स्लोप इजी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, एक नहीं पूरी नो दिक्कत है। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन 10.1 का मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन इसने रिपीट किया है, इसने कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है, तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल को हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये मान लो ए बी सी और डी था, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, और ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 10th क्लास में था, था नहीं था, क्या था, हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। इससे हमें एक ट्रायंगल का एरिया आएगा, इसी फॉर्मूले से दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बस ये ध्यान रखना अगर ए बी सी का निकाल रहे हो तो ये x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये वाले x3 y3, और जब ए सी डी का निकालोगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, दोनों का एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का और उनको ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। कर लोगे ये क्वेश्चन, 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, रिपीट किया है इसने। इस ऑर्डर को साइकिल को चेंज नहीं करना है, ए के बाद अगर बी नहीं है तो कौन आता है, सी फिर डी, ठीक है, ऐसे क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि फर्क तो कुछ नहीं पड़ता लेकिन आप थोड़ा सिस्टमेटिक करो, तो ये पहला क्वेश्चन आपके हो जाएगा ऐसे। दूसरा क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि इफ द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a लाई अलोंग द y एक्सिस, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ठीक है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है वो y एक्सिस पे आ रहा है और वो कितना है 2a सेंटीमीटर है या मीटर जो भी है 2a यूनिट का है। मान लो ये इसका बेस है, y एक्सिस पे बेस है और ये कितना है 2a यूनिट का है। ठीक, ये मान लो पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, कोई दिक्कत? और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर ये 2a है तो ये भी कितना होगा 2a, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और ये भी कितना होगा 2a। आई बात समझ में? क्या जरूरी है कि ये ट्राइंगल ऐसे ही बने? हो सकता है ये ट्राइंगल ऐसे भी बने, हो सकता है। मान लो ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट सी देश मैंने मान लिया, हो सकता है ना 2a ऐसे भी हो सकता था और 2a ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत? देख लो आप, ट्राइंगल है इक्विलेटरल, चाहे ये कंसिडर करो चाहे ये, तीनों साइड इक्वल है और वाई एक्सिस पे उसका बेस आ रहा है और इसने ये भी कहा है कि उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पर आ रहा है, मिड पॉइंट ओरिजिन पे आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया क्योंकि मैं इसको ऐसे भी बना सकता था ऊपर। तो अगर मिड पॉइंट ओरिजिन पे आ रहा है तो ये डिस्टेंस हुई a, ये डिस्टेंस भी हुई a, तभी तो होगा पूरा 2a। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर ऐसा है तो इसने कहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है वो आप बताओ। वर्टिसेस मतलब आपको a के कोऑर्डिनेट बताने हैं, b के कोऑर्डिनेट बताने हैं, c के बताने हैं और c डैश के भी बता दो। ठीक है, तो बताओ a के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, a कहां आ रहा है y एक्सिस पे और a कितना है ओरिजिन से, a डिस्टेंस ऊपर है तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? a के कोऑर्डिनेट हो गए 0, a, किसी को दिक्कत? b के कोऑर्डिनेट बताओ 0, -a, नीचे y नेगेटिव होता है लेकिन है b भी y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई दिक्कत? मुझे c के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा बेटा, आप बताओगे c के कोऑर्डिनेट? नहीं, देखो c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखो ये y और x एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो ये ट्राइंगल कैसा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इसमें देखो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, बेस नहीं निकाल सकते, बेस ये OC, तो OC कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना हुआ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब रूट 3a स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया तो कितना आया रूट 3a, भाई स्क्वायर a के ऊपर था तो उससे ऊपर से रूट हट गया, रूट 3 के ऊपर तो रहेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर थोड़ी था कि रूट 3 के ऊपर से भी हट जाए, तो OC आया रूट 3a, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे रूट 3a, 0, क्योंकि C पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब C डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस का रूट 3a, 0, क्योंकि अगर ये रूट 3a है तो ये भी रूट 3a ही होगी लेकिन ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था, इजी है, नोट करो।